अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। आज के लेक्चर में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा व्हाट इज़ अ वेब होस्ट एंड व्हाट इज़ अ डोमेन नेम एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेब होस्ट एंड डोमेन नेम। तो जैसे अगर डोमेन नेम, सबसे पहले हम डोमेन नेम के बारे में देखते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम इज़ द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट दैट पीपल टाइप इन द ब्राउज़र एंड यूआरएल बार। In simple term, if your website was a house, then your domain name will be the address. अगर simple term में यह है कि आपके website जो है वो आपका एक घर है, तो domain name आपके घर का जो address होता है वो domain name होगी। Best example, mobile phone name, यानी आप कोई number है वो आपने अपने उस बंदे का है, वो उस आपने उसका नाम जो है ना save कर लेना है, तो वो address हो जाते हैं उस आदमी का। नेक्स्ट स्लाइड में google.com बेस्ट एग्जांपल जो है वो google.com है, youtube.com है। इसके बाद देयर इज अ टू पार्ट्स ऑफ द डोमेन नेम, फर्स्ट प्रीफिक्स एंड www, ये है सब डोमेन, ठीक है। ये http जो है ये प्रीफिक्स है। उसके बाद एग्जांपल इज द नेम ऑफ द डोमेन नेम, ठीक है ना, जैसे फेसबुक, जैसे यूट्यूब, जैसे गूगल, ये सर डोमेन नेम। और .com इज़ अ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जो है ना ये इसके साथ .com, .pk, .co, .org, ये सारी एक्सटेंशन है। दो उसका नाम यानी facebook.com, youtube.com, ये डोमेन नेम है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बिफोर यू बाय द डोमेन नेम कीप दीज टिप्स इन द माइंड, ठीक है। जो टिप्स हैं ये आपने अपनी माइंड में बिठा लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। जब आप कोई डोमेन नेम बाय करना चाह रहे हों तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिक विद .com, आपने .com के साथ स्टिक कर लेना है। ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि हर जगह पे यही डोमेन नेम ज़्यादातर यूज़ हो रही है .com। इट्स मेमोरेबल, इजीली याद बना कर सकते हैं। यूज़ अ कीवर्ड, कीवर्ड आपने इजी यूज़ करना है। नेक्स्ट, थिंक ऑफ द वर्ड दैट डिफाइन योर बिजनेस, ऐसा वर्ड आपने याद रखना है कि जो आपके बिजनेस को बूस्ट करे। कीवर्ड हेल्प विद SEO, जो ऐसे कीवर्ड जो हेल्प कराए SEO के साथ, जो SEO को हेल्प करे, मतलब कि इजी हो, कीप इट शॉर्ट, शॉर्ट भी हो, इजी टू रिमेंबर, आसानी के साथ याद आ जाए, मेक इट इजी टू प्रोनाउंस एंड स्पेल, ठीक है, प्रोनाउंस और स्पेल भी हम इजीली उसको कर सकें। मेक इज इट ब्रांडेबल, तो ये ब्रांडेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद अवॉइड डैश आर हैपेंस, तो अवॉइड करना है आपने डैश के साथ, जो उसके बाद अवॉइड नंबर्स से अवॉइड रखना है, बचाना है। उसके बाद अवॉइड ट्रेडमार्क नेम्स वो होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कोई और यूट्यूब कोई और चैनल के साथ, यानी कोई और वेबसाइट के साथ, जैसे फेसबुक है। अगर आपने फेसबुक और बनानी है तो उसका यू आपने डोमेन नेम आप नहीं लगा सकते, तो ये ट्रेडमार्क होता है। गेट क्रिएटिव, आपने क्रिएटिव जो है ना वो वेबसाइट बनानी है, उसके लिए एक्सप्लोर न्यू एक्सटेंशंस .co, .pk, ऐसी एक्सटेंशन आपने एक्सप्लोर करनी है जो .co, .pk, इस तरह की एक्सटेंशन आपने एक्सप्लोर करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में है, कैन आई चेंज माई डोमेन नेम, यस यू कैन चेंज डोमेन नेम, आप चेंज कर सकते हैं। वेयर टू रजिस्टर डोमेन नेम, कहाँ आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी डोमेन नेम, मैं आपको वेबसाइट पे वो सारी बताऊंगा जहाँ पर आप ऑनलाइन अपनी डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल namecheap.com, आप इस पर जाएँ और ऑनलाइन, और इस पर आप अपनी डोमेन नेम वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ पर अपना डोमेन नेम रजिस्टर करवा सकते हैं। नेक्स्ट, bluehost.com, godaddy.com, और उसके बाद hostgator.com, और उसके बाद हाउ मच डूज डोमेन नेम कॉस्ट, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना कि कितनी कॉस्ट होती है एक डोमेन नेम की। तो इट्स ऑलमोस्ट $10, ओके, तो इसकी जो कॉस्ट है वो $10 है। नेक्स्ट हम जो है ना करते हैं दूसरा, व्हाट इज़ होस्टिंग।
होस्टिंग इज़ द स्पेस वेयर योर वेबसाइट इज़ स्टोरिड। होस्टिंग एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ आपकी वेबसाइट स्टोर होती है, एक बैकअप होता है जहाँ से फाइल्स को एक्सेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर वेब होस्टिंग एक्सेस योर ईमेल, योर सॉफ्टवेयर, योर फाइल्स, योर वेबसाइट को एक्सेस करती है, डेटाबेस को एक्सेस करती है, सर्विसेज को एक्सेस करती है, उसके बाद बैकअप मेंटेन योर बैकअप वेबसाइट बैकअप। तो वेबसाइट जो है ना बैकअप को मेंटेन करती है। कंप्लीट जो होता है बैकअप स्ट्रक्चर वो होस्टिंग के अंदर होता है, यानी ये आपकी फाइल्स को सेव रखती है, आपके डेटाबेस को स्टोर रखती है, और उसके बाद कंप्लीट जो आपकी स्टोरेज स्पेस है ये होस्टिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। आपका बैकअप जो होता है बैकएंड होता है वो होस्टिंग के अंदर होता है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल के तौर पर डोमेन वर्सेस होस्टिंग, योर हाउस इज़ होस्टिंग एंड योर एड्रेस, हाउस एड्रेस इज़ डोमेन नेम एंड द फर्नीचर इज़ साइट फाइल। जो आपकी फाइल जो है ना साइट की फाइल है वो है फर्नीचर, एंड द हाउस जो आपका घर है वो होस्टिंग है, और एड्रेस जो है वो डोमेन नेम है। नेक्स्ट स्लाइड में, फैक्टर टू थिंक अबाउट व्हेन द चूजिंग द होस्टिंग। आप जब अपनी होस्टिंग चूज़ कर रहे होते हैं तो आपने ये जो फैक्टर हैं ये आपने याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? नंबर वन कॉस्टिंग, कॉस्टिंग को याद रखना है। रिव्यूज़ होने कितने होने चाहिए, स्टोरेज होनी चाहिए, कितनी स्टोरेज होनी चाहिए उसमें, तो उसके बाद बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम उसका कितना होना चाहिए, और उसके बाद अप टाइम, मतलब कि अप टाइम स्टोरेज फुल होने के बाद और मज़ीद कितना मतलब कि उसमें स्टोरेज प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद क्लिक डब्ल्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल, उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल की कोई क्लिक की सलाहियत है कि नहीं। उसके बाद फ्री SLL फॉर द SEO के लिए फ्री SLL होना चाहिए कि नहीं, और उसके बाद फ्री डोमेन नेम फ्री होनी चाहिए उसके लिए कि नहीं। फ्यू रिकमेंडेड होस्टिंग साइट, जो होस्टिंग साइट है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको वो कौन कौन सी है जहाँ से आप होस्टिंग परचेज़ कर सकते हैं। नंबर वन ब्लू होस्ट, नंबर टू होस्ट getter.com, नंबर थ्री siteground.com, नंबर फोर dreamhost.com, godaddy.com। उसके बाद रिमेंबर ऑल दीज आर शेयर्ड होस्टिंग साइट। तो सबसे पहले हम जो godaddy.com जो कि बहुत ही मशहूर वेबसाइट है, जो होस्टिंग और उसके बाद डोमेन नेम ये दोनों अपनी परचेज़ करने की सलाहियत रखती हैं, दोनों वेबसाइट से हम अपनी डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले godaddy.com, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएं तो यहाँ पे इसमें प्राइस भी दी हुई है, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल ईमेल, गेट ईमेल मैचेस योर डोमेन नेम, ईमेल के लिए SSL सर्टिफिकेट के लिए, उसके बाद वेबसाइट बिल्डर्स के लिए, और इसके बाद वेब होस्टिंग के लिए आपने जो डोमेन नेम लिखनी है यहाँ पे आप डोमेन सर्च कर सकते हैं, कोई भी डोमेन हो। देखिए इसमें डोमेन नेम .com की प्राइस रखी हुई है 760 और .net की 2199 और इन्फो की 469 और ORG की 1499। तो यहाँ पे मैं ORG डाल रहा हूँ, आप देखिएगा ORG की प्राइस, तो इन पाकिस्तान ORG.tech इसकी जो प्राइस है ये प्राइस लिखी हुई है, और ये लिमिटेड टाइम है, आप देख रहे हैं 1 ईयर, तो 1 साल के लिए टोटल इसकी प्राइस, एड टू चार्ज यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये होस्टिंग के लिए और डोमेन नेम भी आप यहाँ से, सॉरी ये डोमेन नेम के लिए आप यहाँ से होस्टिंग भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप होस्टिंग के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं। ये देखिए उसकी प्राइस लिखी हुई है मंथ के वाले से, मंथली प्राइस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप जाएँ ये वेबसाइट जो मैंने आपको सेंड की है तो इस पर जाएँ और यहाँ से आप कोई डोमेन नेम और होस्टिंग यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और जो डोमेन नेम मैंने आपको बताया था www
www.webhost.com, ये फ्री वेब होस्ट आपको प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये इसमें कुछ रूल्स भी हैं जो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और मस्ट सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।